हाय गाइस, दिस इज शर्लॉक। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। इट्स अबाउट रोल प्लेइंग गेम्स, एंड इफ यू आर अ फैन ऑफ आरपीजीज देन देयर इज समथिंग रियली यूनिक आई केम अक्रॉस ऑन द प्ले स्टोर, गो निशा गो, जो कि एक यूनिक सा आरपीजी है जिसमें आप गेम के मेन कैरेक्टर निशा को हेल्प करते हैं उसकी लाइफ के यू नो इम्पॉर्टेंट चॉइसेस लेने में। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस गेम इज कि ये पूरा गेम हिंदी में है, जो कि आजकल हमें बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। ओके, सो लेट मी टेल यू गाइस मोर अबाउट द गेम। इट इज़ बेसिकली अ गेम ऑफ चॉइसेस दैट वी हैव टू मेक ऑन बिहाफ ऑफ निशा। एंड चॉइसेस से ये मत समझना कि आलतू फालतू की चीज़ें होंगी। इवन टू माय सरप्राइज दिस गेम इज क्वाइट इन डेप्थ विद वेरी रिलेटेबल सिनेरियो। वी हैव टू डिसाइड कि निशा अपने आसपास के लोगों से कैसे बात कर रही है, वो अपना करियर कैसे चूज कर रही है, एंड इवन जो उसकी लाइफ में रिलेशनशिप्स है उनको भी वो कैसे हैंडल कर रही है, ये सब हमें उसके लिए डिसाइड करना है। इट्स लाइक वी आर राइटिंग अ स्टोरी थ्रू दिस गेम जिसमें हम ही मेन कैरेक्टर है। सो इट्स लाइक राइटिंग अ स्टोरी for our own self. So I think that is very interesting aspect of this game. So the entire game has been divided into 5 segments which continues Nisha's story as she navigates through important and different phases of her life. और ये structure का फायदा ये है कि as a player आप game में हमेशा एकदम involved रहते हैं। Also जैसे ही आप Nisha के लिए वो सब decisions लेते हैं उसके life के जो बहुत important रहते हैं उनसे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। And other than the main game, गेम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। लाइक देर इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट सेक्शन कॉल्ड जस्ट फॉर यू जिसमें बहुत सारे डिफरेंट आपको कैटेगरीज दिखेंगी, माई मेडल्स, माई रिवॉर्ड्स, माई वीडियोज़, आप वो सब सेक्शंस में भी जाके देख सकते हैं। और जो वो वीडियोज़ वाला सेक्शन है आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा पार्ट है इस गेम का। एंड ऑल ऑफ दिस वीडियोज़ आर अबाउट द स्टीरियोटाइप्स इन आर सोसाइटी एंड शो वट यंग गर्ल्स गो थ्रू इन देयर लाइव्स एंड द इशूज दे माइट फेस someday. I think these videos can be really helpful in educating those young girls and teach them how to take stand for themselves and to let them know that their life is their choice and they're not bound by the society or anyone. So I think this is a great thing done by the game creators and it's really good. Okay, so I think that's enough talking. It's time to go into the game kyunki game khel ke hi hame aur bhi cheeze pata chalegi is game ke bare mein. Patti ke din Nisha ko apne bed par ek surprise gift mila. Excited hokar wo chhat se tohfa kholne apni chhat par chali gayi. Ooh! Oye Nisha, kya hal hai? हाँ? कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं तेरे सामने ही तो हूँ। एक मिनट, क्या सच्ची तू डायरी ही है? ओ, टॉकिंग डायरी? आप ये में कैसा खेल रहे हैं ये देखने के लिए इन 3 बटन्स को किसी भी समय क्लिक किया जा सकता है। निशा की नई एक्साइटिंग जिंदगी की शुरुआत धमाके के साथ नहीं बल्कि एक मामूली सुबह के साथ हुई। निशा, ये कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो? मिलिए निशा के पापा से। बाहर से सख्त और अंदर से भी सख्त। ये कपड़े ठीक नहीं है, जाओ बदल लो। मुझे तो ठीक लग रहे हैं। हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। प्लीज पापा, ये ठीक ही तो है। तू हर बात पे बहस करने। उफ निशा, सुबह सुबह ही शुरू, चल कॉलेज के लिए निकल। और वो थी निशा की मम्मी, एकदम स्वीटू। उफ, पापा कब समझेंगे? मम्मी ने बात संभाल ली ना, फिर क्यों चिक चिक, चिल कर। ये देख, तेरे फेवरेट चैनल ने इसी विषय पर वीडियो अपलोड किया है, चल बस में देखते हैं ना, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। तो जैसे मैंने मेंशन किया था कि जैसे हम गेम में प्रोग्रेस करेंगे तो हमें बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये वीडियोस में बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहता है और ये बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे है। सो मतलब इनको देख के आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। सो देखते हैं फर्स्ट वाला वीडियो किस बारे में। क्या देख रहा है? मम्मी ने अंडे लाने को कहा है, सोचा तेरे घोंसले में ही चेक कर लेता हूँ। तूने अपने दिमाग में अंडे चेक किया कर, तेरे को इतने बड़े बड़े वाले मिलेंगे। वैसे स्वीटी, इतना बन ठन के कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? ये ले, इसको ऐसे
ढंग से पहन के जाया कर। अंडे लाने जा रहा हूँ, मम्मी को बता दियो। मम्मी वो अज्जू आजकल कुछ ज्यादा ही बोलता है। सुबह सुबह आया, मेरे पे दुपट्टा फेंक दिया और बोलता है ढंग के कपड़े पहन। हाँ, और पता है उस दिन सोनिया जा रही थी जीन्स और टी शर्ट पहन के, उसके ऊपर कॉमेंट्री कर रहा था। अज्जू ना आजकल कुछ ज्यादा ही दादा बन रहा है, रुक जा तू। कल मेरे को क्या था मार्केट में, मम्मी पल्लू ठीक करो। ठीक तो अभी मैं से करती हूँ, रुक तू जरा, पकड़ से पकड़। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये वीडियो ने भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर किया है, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत नॉर्मल है कि लड़कियां कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसे रहती हैं, उस चीज़ पे हमेशा लोग रेडी बैठे होते हैं कमेंट करने के लिए। सो इट वाज़ वेरी गुड, मतलब अच्छे से इसमें दिखाया गया था कि क्या चीज़ें होती है। इवन घर में भी कोई ना कोई हो सकता है जो आपको रोके टोके, एंड ऑल्सो एक अच्छी चीज़ ये दिखाई कि यू शुड ऑलवेज रीच आउट टू समवन एंड टॉक अबाउट इट एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज हो सकता है कि दूसरों की बातें सुन के आप कभी बहक जाओ कुछ, आप खुद मतलब खुद में ही गलतियां ढूंढने लग जाओ। बट व्हेन यू रीच आउट टू अ पर्सन जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो मैच्योर है आपसे भी ज़्यादा, तो वो आपको उसके थ्रू हेल्प करेगा एंड इट्स ओनली बेटर फॉर यू। सो नाउ आई थिंक वी शुड कंटिन्यू विद द गेम। अब गेम में प्रोग्रेस करते हैं, हम देखते हैं आगे क्या होता है। एक्सीडेंट हो गया। सॉरी, तुम ठीक तो हो? मैं यही नजदीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, मैं अभी तुम्हें चेकअप के लिए ले जाती हूँ, चलो। नहीं नहीं, ज्यादा दर्द नहीं, मम्मी से भी बात हो गई। थैंक गॉड, सिर्फ मामूली स्प्रेन है। बाय द वे, आई एम डॉक्टर पारमिता घोष। नाइस टू मीट यू पारमिता जी, मैं निशा। क्या तुम कॉलेज में हो? जी, मैं TSU कॉलेज में BEd कर रही हूँ। ओह, क्या इत्तेफाक है, हाल ही में मैंने तुम्हारी कॉलेज की लड़कियों के लिए एक इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट की है, लेकिन ये मौका लिटरेचर लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तुम्हारा इंटरेस्ट टीचिंग में है, वरना तुम भी अप्लाई कर सकती थी। ओए होए, मौके पे चौका मारनेश। तेरा पैशन, सीक्रेट वेबसाइट, लेखक बनने का सपना, इनको सब कुछ बता दे। एक्चुअली पारमिता जी, मुझे बचपन से ही लिखने का बड़ा शौक है, मैं अपनी खुद की वेबसाइट भी चलाती हूँ। अरे वाह, फिर तो तुम्हें 100% अपना रेज्यूमे भेजना ही चाहिए। मुझे असिस्टेंट की जरूरत है नोट्स रिपोर्ट्स लिखने के लिए, क्या तुम्हारे पास इस जॉब को लेकर सवाल हैं? क्या मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ शनिवार रविवार और छुट्टियों में ट्रैवल करेंगे, बाकी काम तुम घर से भी कर सकती हो। अगले 3 दिन में मुझे अपना राइटिंग सैंपल और बायोडेटा भेज देना, फिर मैं किसी एक स्टूडेंट को चुन लूंगी। ये रखो मेरा कार्ड। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। वहाँ निशा पापा को जॉब के बारे में बता रही है, यहाँ मेरे पसीने छूट रहे हैं। पापा, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, ये मेरा ड्रीम जॉब है। निशा, तू ऐसे अकेली घूमेगी तो अच्छे रिश्ते कैसे मिलेंगे, और तू ये सब शादी के बाद भी तो कर सकती है। मैं लड़के देखने के लिए राजी हूँ, लेकिन शादी के लिए नहीं। अच्छा लड़का मिल गया तो प्रॉब्लम क्या है? पापा, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा, क्या आप मुझे जॉब करने देंगे? यिप्पी, थैंक यू पापा। निशा, तुम असिस्टेंट पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो गई हो, बाकी डिटेल्स ईमेल पे। थैंक यू सो मच। वाह, क्या बात है निशा, कंग्रेट्स, तुम पहले पड़ाव पे पहुंच गई, अब आगे बढ़ो और देखो होता है क्या। इस लेवल पे हम एक बार के लिए रुक जाएंगे।
जैसा कि मैंने कहा था कि इस गेम में सारे निशा के लिए जो चॉइसेस है वो आपको लेने हैं। जैसे जैसे आपने डिसीजंस लिए उसके लिए वैसे ही उसका स्टोरी प्रोग्रेस किया। उसने अपने घर पे अपने पापा से बात की जॉब के लिए कि मैं जॉब कर सकती हूँ, और वैसे ही उसको जॉब मिला। सो जो भी आप चॉइसेस मतलब निशा के लिए लोगे, जो भी डिसीजंस लोगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे होने वाला है। That diary was really fun, and the way of talking and all those interactions, I think, really made the game fun. So, चलिए अब हम next level 2 पे जाते हैं। सिक्किम के लिए तैयार terminal 2 domestic airport 11MCU. Finally, हम एक नया शहर देखेंगे। चलो चले सिक्किम। तो जैसा कि आपने देखा गेम में, अभी हम उस फेज पे पहुंचे थे जहां निशा बाहर जाती है अपने घर से पहली बार टू अनदर स्टेट टू वर्क, एंड वाइल ट्रैवलिंग यू विल बी द वन हैंडलिंग हर हेल्थ, हर पीरियड कैलेंडर, सब कुछ आपको मैनेज करना है। एंड इवन योर कंसेंट मैटर्स हेयर अलॉट, बिकॉज आपका कंसेंट ही उसका हर एक नेक्स्ट एक्शन डिसाइड करेगा। सो है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़। बींग अ गर्ल, मुझे ये गेम बहुत रिलेटेबल लगा फॉर द थिंग्स दैट आई वुड हैव डन इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। एंड आई थिंक सब लोग को ये गेम के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को भी है, स्पेशली यंग गर्ल्स, क्योंकि जैसे वो इस गेम में डिसीजंस लेंगे निशा के लिए और चॉइसेस लेंगे, तो उनको उससे रियल लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑल्सो इस गेम में टाइम टू टाइम एज वी प्रोग्रेस हमें बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है, जो शायद हमें रियल लाइफ में मतलब बताने वाला कोई ना हो या फिर हमें नहीं पता हो, तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ है इधर। सो आई थिंक सबको ये गेम ट्राई करना चाहिए। ऑल्सो दिस गेम इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, एंड आई थिंक यंग गर्ल शुड नेवर लीव अ चांस टू एक्सप्लोर एंड लर्न न्यू थिंग्स। एंड हेयर यू कैन हेल्प निशा गेट हर ड्रीम जॉब, मेक अ परफेक्ट करियर फॉर हर सेल्फ। सो हो सकता है कि आप इधर निशा को हेल्प करने के लिए कोई स्किल यूज करो, एंड देन यू माइट यूज इट इन योर रियल लाइफ ऑल्सो, एंड इट माइट वर्क फॉर यू। सो बहुत कुछ सीखने को है यहाँ पर। जस्ट रिमेंबर दैट द स्टीयरिंग व्हील्स ऑफ चॉइसेस इज इन योर हैंड्स, एंड यू हैव टू टेक निशा टू हर गोल। तो जाओ अभी डाउनलोड करो एंड प्ले गो निशा गो, एंड एंटर अ वर्ल्ड वेयर योर चॉइसेस एंड डिसीजन मैटर द मोस्ट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।